सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे। स्वागत है एक बार फिर से मेरे मिनी ब्लॉग में। मैं हूँ रवि हेयर आर्टिस्ट और आज मैं फिर से जा रहा हूँ एक नई लोकेशन, नई जगह में। तो गाइस मेरे ब्लॉग में बने रहिए, आपको मिलेगा कमाल और धमाल और सब कुछ। तो गाइस मैं जा रहा हूँ आज हेयर स्टाइलिंग करने के लिए और देखते हैं ये श्यामा जी क्या कर रही हैं आज हमारी। श्यामा जी ने सुबह सुबह उठकर भाई अपना मुँह धो लिया है और मुझसे कह रही हैं फटाफट से चाय पी के निकल लो। बट मैं देख लेता हूँ गली के आगे, तो भाई देखता हूँ तो मेरा भाई आ रखा होता है। मैं चाय पिए बगैर ही भाई निकल लेता हूँ फटाफट से अपने काम की तरफ को। तो गाइस जाते जाते मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज धूप की इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है, ऐसा लगेगा मुंह पे थप्पड़ी थप्पड़ पड़ रहे हैं बाइस, क्योंकि सुबह ही सुबह इतनी कड़क धूप है भाई। दिल्ली की धूप ऐसी है ना जाने कैसी। तो गाइस चलते हैं फटाफट अपनी स्कूटी के पास और स्कूटी से बोलते हैं फटाफट लेके चल हमें हमारी गाड़ी में। तो ये मेरा भाई खड़ा और हम पहुँच जाते हैं अपनी गाड़ी में CNG डलवाने, क्योंकि गाइस CNG है नहीं गाड़ी के अंदर और इसीलिए भाई CNG भरवाना भी बहुत ज़रूरी है। बट यहाँ पर देखा तो वेटिंग बहुत तगड़ी थी और देखा तो CNG भी ज़्यादा पैसों की नहीं आई, सिर्फ आई CNG गाइस 400 रुपये के अंदर अंदर। मैं सोच रहा था 500-600 की CNG भर जाएगी बट भरी नहीं। कोई बात नहीं गाइस, बट फाइनली हम पहुँच जाते हैं भाई अपने क्लाइंट के पास। तो पता चलता है कि भाई क्लाइंट ही नहीं आया है और उसके बाद मुझे कहीं और भी जाना है यार। इसी चक्कर में तो मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि मैंने एक टाइम पे दो दो बुकिंग ले ली थी, अब एक बुकिंग में तो भाई क्लाइंट ने कर दिया लेट, अब दूसरी वाली खाएगी मेरी जान। तो गाइस आपको पता है ये मुश्किल होती है हमारे काम में, ऊपर से सड़ी हुई गर्मी में AC भी मेरा काम नहीं कर रहा गाड़ी का, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ लग रही है और AC भाई आपको तो पता ही है गाड़ी का AC कैसा स्लो काम करता है। मतलब इतना तेज़ गर्मी लग रही है फेस पे कि पूछो मत, क्योंकि गाड़ी के अंदर बैठने से भी ना भपका सा लग रहा है गाइस। बस यही चल रहा है आजकल तो ज़िंदगी में। और ऊपर से क्लाइंट आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा, वो क्लाइंट को जिसने भाई हमें पूरा 1.5 घंटा लेट कराया, क्योंकि मैं उस गाइस देख रहे हो मैं अपनी क्लाइंट को हेयर स्टाइल कर करके दिखा रहा हूँ, बट हमारी क्लाइंट को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, सब उनके सर के ऊपर से बाउंस जा रहा है। हालांकि जो मैंने सबसे फ़र्स्ट हेयर स्टाइल करवाया था वही इन्होंने वापस रिपीट करवा लिया कि भैया जो आपने सबसे फ़र्स्ट करा था वही मेरे ऊपर हेयर स्टाइल कर दो। बट मैं बहुत समझाने के बाद उनको कहता हूँ मैम नहीं, ये वाला आपके फेस पर सूट करेगा जो मैंने फ़र्स्ट करा था। क्लाइंट भी मान जाती है और फाइनली मैं भी अपना सर का पसीना पोंछ लेता हूँ और थैंक गॉड करता हूँ कि भाई चलो फ्री है कि क्लाइंट ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि हेयर स्टाइल हो गया था ख़त्म। और आप मेरे पीछे का होटल देख रहे हो गाइस, ऐसा लग रहा था कि बड़ा सुंदर होटल है। मैंने इस होटल में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, इतने टाइम से मैं कभी भी इस वाले होटल में नहीं आया हूँ। मैंने यहाँ का वेदर देखा, बड़ा सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि गाइस कि हम कहीं जन्नत में आ गए, बड़ा सुंदर होटल था। बट उससे ज़्यादा टेंशन ये थी कि मुझे दूसरी क्लाइंट के पास जाना है AeroCity के अंदर। यहीं पर बज गए थे 6 और मुझे ऑलरेडी 6 बजे पहुँचना था किसी और क्लाइंट के पास। बट अभी तक देख रहे हो गाइस 6 बज गए हैं और ये गर्मी को देख रहे हो अभी तक धूप कितनी कड़क दिख रही है। और आपको तो पता ही गाइस मैं इतनी मेहनत से आपके लिए ब्लॉग बना रहा हूँ, तो प्लीज़ गाइस आप एक लाइक ज़रूर कर देना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। और ये गाइस हम आ जाते हैं अपना AeroCity के अंदर, जहाँ पर कि मुझे क्लाइंट के पास जाकर हेयर स्टाइल करना था। ये आप बड़ी बड़ी इमारतें देख ही रहे होगे गाइस, यहीं पर हैं सबसे ज़्यादा महंगे होटल दिल्ली के। मतलब यहीं पर 5-स्टार होटल, 7-स्टार सारे होटल यहीं पर ही हैं और सबसे महंगे होटल दिल्ली के अंदर इसी एरिया में मिलते हैं। तो फाइनली मैं करता हूँ अपने क्लाइंट से बातचीत और ये लिफ्ट वाले भैया जो मैनेजर होते हैं वो मना करते हैं, भैया कैमरे की वीडियो मत बनाओ। बट फिर भी यहाँ पर मैं देखता हूँ राजा महाराजाओं की तलवारें, तो मेरे उससे रहा नहीं जाता, मैं अपनी सोचता हूँ ऑडियंस को ज़रूर दिखाऊँ कि कितनी सुंदर सुंदर ये तलवारें। और यहाँ की लिफ्ट तो आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे जैसे 4 कमरे बन जाएंगे मेरे घर के। और ये देख रहे हो यहाँ की बालकोनी, मतलब इतनी मस्त लग रही है ना ऐसा। और जब मैं अंदर घुसा तो इतना ठंडा ठंडा राहत मिला कि भाई मेरा मुंह एकदम गोरा हो गया, देख रहे हो गाइस कितना गोरा गोरा लग रहा हूँ मैं। फाइनली मैं पहुँच जाता हूँ अपनी क्लाइंट के पास और क्लाइंट का कर देता हूँ हेयर स्टाइल तैयार। क्लाइंट तो हो जाती मेरी रेडी, बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। ये व्यू आप देख रहे हो, रात के अंधेरे और एक होटल के अंदर आराम से बैठकर आप ये सीन नज़ारा देखो तो आपको जन्नत सी लगेगी, क्योंकि सामने ही एयरपोर्ट है और आप आराम से होटल के अंदर बैठे हो और ये नज़ारा देखो तो ऐसा अंदर से फील होता है ना कि भाई कहीं अच्छी जगह आकर हम बैठे हैं। बट गाइस हम तो यहाँ पर मेहमान हैं, क्योंकि हमें आगे भी निकलना है। हमने अपनी क्लाइंट का कर दिया था हेयर स्टाइल डन और ये हमारी मेकअप आर्टिस्ट हैं जो आप सामने देख रहे हो। फाइनली गाइस हमारी क्लाइंट रेडी हो गई है, तो आप गाइस ज़रूर बताइएगा कि हमारी क्लाइंट कैसी लग रही है। लग रही है ना एकदम हॉट, क्योंकि भाई हेयर स्टाइल और मेकअप हो चुका है इनका। और फाइनली गाइस मेरा काम ख़त्म हो जाता है, मैं निकल लेता हूँ अपने घर की तरफ को। और जाते जाते मैं आपसे एक ज़रूर चीज़ कहना चाहूँगा
कि गाइस मैं एक हेयर आर्टिस्ट हूँ, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, प्लीज़ मेरे को एक लाइक तो ज़रूर दे दीजिएगा जिससे कि मेरे को मोटिवेशनल मिले। तो गाइस कैसा लगा मेरा ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लिखते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। चलो गाइस।